निज भक्तों पर कृपा करने के अर्थ प्रभु का भक्तों के पास स्वयं पधारना ही पुष्टि है। श्री जी एवं श्री लालन कौतुक कर ऐसे ही लगभग 300 वर्ष पूर्व नित्य लीलास्थ तिलकायत श्री गिरधर जी महाराज द्वितीय एवं उनके पुत्र नित्य लीलास्थ तिलकायत श्री दाऊ जी द्वितीय को प्रेरणा कर उदयपुर पधारे और आनंद पूर्वक सब सेवा अंगीकार की और तत्पश्चात वर्तमान तिलकायत श्री इंद्र दमन जी महाराज श्री राकेश जी एवं आपके लाल जी चिरंजीव श्री भूपेश कुमार जी श्री विशाल जी को प्रेरणा कर श्री नवनीत प्रिया जी पुनः निज भक्तों पर कृपा वृष्टि के दानार्थ उदयपुर पधारे एवं सब मनोरथ अंगीकार कर पुष्टि सृष्टि को कृतार्थ किया। यह अवसर जे होते ते महाभाग्यवान। जय श्री कृष्णा। आज वन झूलत नटवर लाल। श्रीनाथ जी चरण चौकी उदयपुर 2015। आनंद कंद प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से लाडले लाल नवनीत प्रिया जी श्रीनाथ जी की चरण चौकी उदयपुर मंदिर में वैष्णवों को आनंद देने हेतु आज वन झूलत नटवर लाल मनोरथ में अपने निजी भक्तों व वैष्णव सहित अपने गोस्वामी परिवार की कृपा से अपने मंदिर से लवाजमे में उदयपुर पधार रहे हैं। नाथद्वारा नगर की चौपाटी पर प्रभु श्री के दर्शनार्थ जन समूह उमड़ पड़ा। लाडले लाल अपने भारी कारों के काफिले के साथ रास्ते में खड़े लोगों को दर्शन देते हुए उड़न रावचा कैलाशपुरी होते हुए नेशनल हाईवे 8 पर नव निर्मित सुरंग व हाईवे रोड का प्रभु ने प्रथम बार प्रवेश कर उद्घाटन कर जनता के लिए खोल दिया। आगे अंबेरी सुखेर में उदयपुर की सभी जाति समुदाय और नाथद्वारा से उदयपुर में बस गए लोगों के बड़े हर्ष और उल्लास के साथ प्रथम बार श्री लारन प्रभु के उदयपुर पधारने पर पलक पावड़े बिछाकर भव्य स्वागत किया।
को उधर वैष्णव जन समूह, नर नारी, छोटे बच्चे हर्ष उल्लास से गुलाब के फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जिसमें कार में विराजित श्री लालन व गोस्वामी तिलकायत महाराज श्री को फूलों से ढकी गाड़ी से आगे चलना भी नहीं हो पा रहा है। आज असंख्य लोग रोड के दोनों तरफ खड़े आप अपलक झांकी प्रभु की करने हेतु आतुर हो रहे हैं। आगे प्रभु सुखाड़िया सर्कल पर प्रवेश कर उदयपुर में पधार गए हैं। बापू बाजार में असंख्य वैष्णवों की भीड़ प्रभु से सुबह से ही इंतजार में खड़ी है। प्रभु के पधारने पर सभी प्रभु के जयकारे लगा रहे हैं। उदयपुर में बैनर और पोस्टरों का जाल बिछा दिया गया है। ऐसी तैयारी प्रभु के स्वागत के लिए की गई है। बापू बाजार में बड़े बड़े द्वार सजाए गए हैं। प्रभु के दर्शन व शोभा यात्रा के लिए खड़े लोगों का इंतजार खत्म हुआ ही हुआ। शोभा यात्रा में घोड़े, बग्घी, सभी विराजित प्रभु के चित्र सजाए गए हैं। बाजों वैष्णवों की ओर से सिर पर कलश लिए अपनी एक जैसी पोशाकों से सुशोभित होकर बैंड के आगे आगे चल रही हैं। पीछे प्रभु पलटन श्रीनाथ जी के साथ चल रही है। पीछे सुंदर वैष्णव जन समुदाय के बीच गोस्वामी तिलकायत के हाथ श्री राकेश जी महाराज, श्री चिरंजीवी गोस्वामी विशाल बाबा साहब की छठा अलग ही सुशोभित दिखाई दे रही है। आपका
महाराज श्री परिवार पैदल ही प्रभु की शोभा यात्रा में चल रहे हैं। पीछे लालन विराजित, सुखपाल लिए ब्रजवासी सेवक जयकारे लगाते हुए चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि नाथद्वारा की जनता के साथ साथ आ गई है। जिधर देखो उधर नर नारी वैष्णव लोग दिखाई दे रहे हैं। आज उदयपुर में ड्रेस का माहौल बन गया। Yeah.
आज उदयपुर में दर्शनीय माहौल बन गया है। उदयपुर शरण चौकी मंदिर करीब आ गया है। प्रभु के लिए सभी द्वार पर स्वागत पर खड़े हैं। सुखपाल सहित महाराज श्री विशाल बाबा पधार रहे हैं। मंदिर में श्री लाल अंशु पार्षद पाल सहित मंदिर श्रीनाथ जी चरण चौकी उदयपुर में पधार गए हैं। लाल मंदिर में पधारे और केले व फूलों से सुशोभित हिंडोलना सजाया गया है। इसमें महाराज श्री ने श्री लाल को हिंडोलने में विराजित किया व अपार जनसमूह वैष्णव को प्रभु के दर्शन देकर आनंदित किया।
को आई ब्रज बनिता बोलत बचन रसाला नंददास नंद नंदन मुरली सुन मग्न होत ब्रज बाला हिंडोर झूलत बंसी वाला झूलत बंसी वाला हिंडोर झूलत बंसी वाला झूलन को आई ब्रज बनिता बोलत बचन रसाला नंददास नंद नंदन मुरली सुन मग्न होत ब्रज बाला डोर झूलत बंसी वाला झूलत बंसी वाला ही डोर झूलत बंसी झूलत बंसी झूलत बंसी वाला नवल किशोर किशोरी झूलत नव नवल किशोर किशोरी झूलत नवल किशोर
श्री लालन को उदयपुर पधारने पर कुंवर लक्ष्मणराज सिंह महाराज श्री विशाल बाबा साहब तिलकायत के परिवार का स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में महाराज श्री लक्ष्मणराज सिंह का श्रीनाथ जी पर शादी का जोड़ा कर समाधान किया। नंद महोत्सव का आनंद अनुभव करते इसमें विशाल बाबा वैष्णवों को प्रसाद लुटा रहे हैं। उदयपुर समिति के सदस्यों का भी चिरंजीवी विशाल बाबा ने सभी का समाधान किया। दो दिन तक लालन प्रभु उदयपुर विराज कर उदयपुर के लोगों को दर्शन देकर वापस नाथद्वारा की ओर प्रस्थान करेंगे।